हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह नींद से उठ के एकदम फ्रेश वगैरह हो गई हूँ। बाय द वे, आई नो कि आप लोगों को कैमरा के थ्रू एक बहुत ही मतलब बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है डेफिनेटली मेरे अंदर, जो कि मुझे भी दिख रहा है और सब लोग बोल भी रहे हैं। अक्सर ऐसा होता ही है, पोस्ट डिलीवरी सबका वेट थोड़ा सा लूज़ हो जाता है, साथ में काफ़ी सारे चेंजेस हो जाते हैं फिगर स्ट्रक्चर में, फेस में। तो मुझे एक चीज़ का तो अच्छा लग रहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान जितने सारे स्वेलिंग वगैरह हो गए थे ना मेरे बॉडी में, सारे स्वेलिंग चले गए हैं, जिस वजह से मुझे अभी थोड़ा पतला पतला सा मैं खुद को फील कर रही हूँ, लाइट फील कर रही हूँ। सच बोलूँ तो थोड़ा सा मेरा वेट लॉस भी हो गया है, जो कि सबका होता ही है। सबसे बड़ी बात है कि सारे स्वेलिंग चले गए हैं, हाथ वाथ वाप रे, देख सकते हो ये जो मेरा रिंग फिंगर जो है ना, इसमें मेरा जो रिंग था शादी के टाइम का, स्वेलिंग की वजह से ना वो रिंग एकदम अटक गया था और आप देख सकते हो मेरे उंगली में ना मार्क हो गया था। तो बहुत परेशानी के बाद ये रिंग मैं निकाल पाई थी, उसके बाद से मैं पहनी ही नहीं थी। तो देखिए अभी उंगली का स्वेलिंग वगैरह सब चला गया है, तो अभी मैं दोबारा ये रिंग फिंगर में रिंग डाल सकती हूँ। तो यहाँ पर आ गया है हमारा ब्रेकफास्ट, ये रहा चाय और ये रहा चिरे भजा। चिरे भजा मेरा बहुत ही फेवरेट है और मम्मी बहुत अच्छा बनाती है, पीनट प्याज वगैरह हरी मिर्ची सब कुछ डाल के मम्मी ये बनाती है ना। तो इवनिंग स्नैक्स में भी हम लोग बहुत पसंद करते हैं। इनफैक्ट हम लोग ब्रेकफास्ट में भी ये खाना बहुत पसंद करते हैं। की हो जे की हो जे मम्मा की हो जे सोनू घुमु घुमु करो एक टू घुमु घुमु करो गुड मॉर्निंग बोले दाओ सबाई के बोलो गुड मॉर्निंग ओके 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 ओले बाबले ओले बाबले से गुड मॉर्निंग। बेबी का नहाना हो गया है तो वो अभी यहाँ पे सो रही है। यहाँ पे देख सकते हो ये सारे उसके खिलौने हैं। ये वाला जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो यूनिकॉर्न है ना ये प्यू गिफ्ट की है। प्यू को तो आप लोग जानते ही है, तो प्यू तो अभी बैंगलोर में नहीं है क्योंकि प्यू का अभी चल रहा है वर्क फ्रॉम होम, तो वो वेस्ट बंगाल में है। तो ऑनलाइन से ऑर्डर कर दिया था बेबी के लिए ये क्यूट सा यूनिकॉर्न, इतना क्यूट है ना। और साथ में ये जो पेंगुइन है, इसको तो आप लोगों ने हॉस्पिटल में ही देखे थे, जो कि मेरी बहन ने गिफ्ट की थी मेरे बेबी को। और भी काफ़ी सारे खिलौना और काफ़ी सारे और भी गिफ्ट वगैरह है, जो कि मैं इसके ऊपर एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगी कि बेबी को उसके मुंह दिखाए हुए क्या क्या गिफ्ट मिला क्या नहीं। तो अभी यहाँ पे नहा धो के फ्रेश होके एकदम बिंदास वो सो रही है। एक्चुअली उसको प्रॉब्लम क्या हुआ है ना, बैंगलोर में इतना ज़्यादा गर्मी पड़ गई है कि वो कुछ भी पहन के नहीं रख पा रही है। मतलब हमें ऐसा फील हो रहा है कि शायद उसको गर्मी लग रही है, सॉरी उसको ठंडी लग रही है, उसको सर्दी जुकाम हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बॉडी में कुछ रखना ही नहीं चाहती। ये जो मस्कीटो नेट वाला बेडिंग है, ये मस्कीटो नेट भी अगर हम लोग क्लोज़ करते हैं ना, तो उस टाइम भी शायद उसको गर्मी लगती है। इतना ज़्यादा हाथ पैर चलाती है वो कि कुछ रखती ही नहीं है, कंबल ब्लैंकेट वगैरह सब फेंक देती है। तो इसीलिए हम लोग उसको थोड़ा खाली खाली सा ही रखते हैं ताकि वो अपने कंफर्टेबल के हिसाब से रह पाए। और देखिए दादी और नानी बीच बीच में आके उसको चेक करती रहती है कि वो ठीक है कि नहीं। और साथ में पापा भी कुछ कम नहीं है, पापा तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है बेटी को लेके। मैं इतना ज़्यादा नहीं हूँ, मैं उसको थोड़ा सा छोड़ देती हूँ सबके साथ। मैं इतना मतलब ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहती हूँ अपनी बेटी के साथ, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली मदर डॉटर का जो कनेक्शन है वो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग ही है। वैसे भी मदर थोड़ा सा मतलब ऑब्सेस्ड हो ही जाती है अपने बच्चों को लेके, बट मैं इतना दिखाती नहीं हूँ, ठीक है। जब तक दादी नानी सब लोग है यहाँ पे, मैं चाहती हूँ कि उसको पूरा अटेंशन वही लोग दे। जब वो लोग चले जाएंगे उसके बाद फिर तो सारी जिम्मेदारी मेरा ही आएगा, ऑब्वियसली सौरभ तो है ही। तो चलिए अभी उसको थोड़ी देर सोने देते हैं। देखिए कितनी मासूम है यार सो रही है वो अभी। हम बंगाली फैमिली में ना जब किसी के डिलीवरी होती है यानी बच्चा होता है, उस टाइम पे हम लोग ना 21 दिन तक घर पे पूजा उजा नहीं करते हैं। शायद सबका रिचुअल्स अलग अलग हो सकता है, हमारा रिचुअल्स कुछ ऐसा ही है। तो देखिए अभी ना लास्ट कुछ दिन से पेड़ पौधे में इतना ज़्यादा फूल आ रहे हैं, लेकिन पूजा नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए भगवान को एक भी चढ़ा नहीं पा रहे, सारे फूल पौधे में ही सूख जाता है। यहाँ पर देखिए एक पिंक कलर का हिबिस्कस आया है आज, साथ में ये जो सादा टॉगोर है ये भी काफ़ी सारे हैं, और कलियाँ कितने सारे आए हैं देखिए। ये देखिए यहाँ पे एक है सादा टॉगोर, यहाँ पे काफ़ी दिन बाद ये वाले हिबिस्कस में एक पिंक कलर का थोका हिबिस्कस खिली है। ओह नो पेटल्स टूट गया मेरे हाथ से।
तो ये वाला काफ़ी दिन बाद आया है। साथ में यहाँ पे बेली फूल जो है ये भी काफ़ी सारे हैं। और यहाँ पे देखिए और एक पौधा है ना, इसमें एक रेड कलर का हिबिस्कस आया है और एक येलो कलर का। इतने सारे फूल पौधे आ रहे हैं लेकिन भगवान को कुछ भी चढ़ा नहीं पा रहे हैं। और बस कुछ दिन, उसके बाद हमारा 21 दिन कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग पूजा करना स्टार्ट कर देंगे। पहले ही मैं आप सबके सामने कान पकड़ के माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मेरा व्लॉग बहुत लेट आ रहा है। एक्चुअली आप लोगों को पता ही है ना कि डिलीवरी वगैरह के बाद मतलब थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगता है अपने बॉडी को। बहुत सारी चीज़ें चलता है बॉडी के साथ, घर पे न्यू बॉर्न बेबी के साथ उसको संभालना, खुद को एज ए न्यू मॉम प्रिपेयर करना, तो बहुत सारी चीज़ें चलता है। तो जिस दिन हमारा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है उसके बाद आज शायद 17th या 18th डे है, मतलब ऑलमोस्ट 17-18 दिन बाद मैं दोबारा व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि बीच में इतने सारे दिन मुझे टाइम लगा इस एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने में। मैं हॉस्पिटल से सोच रही थी कि कैसे क्या करूँगी, मम्मी है, सासूमा है, हस्बैंड है, तो सबके साथ मिलजुल के हो ही जाएगा। बट घर आने के बाद मुझे पता चला कि ये जो मॉम वाला ड्यूटी है वो इतना भी आसान नहीं है, और स्पेशली आफ्टर डिलीवरी मतलब कुछ ही दिन बाद ये एकदम भी इजी नहीं है। तो थोड़ा सा इसमें कोप अप करने के लिए मुझे टाइम लगा। तो अभी हाँ, मेरा हेल्थ अपडेट आप लोगों को दे देती हूँ। मैं अभी एकदम फिट एंड फाइन हूँ। सुबह से घर का हल्का फुल्का काम वाम जो सब कुछ है मैं कर लेती हूँ, जितना बहुत मैं कर पाती हूँ। वैसे दोनों मम्मी हैं, सौरभ है, कुछ मुझे करने ही नहीं देता। वो लोग बोलते हैं कि नहीं रेस्ट करो रेस्ट करो, बट नहीं, डॉक्टर ने बोला है कि तुम जितना एक्टिव रहोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारा हीलिंग होगा। तो आजकल आफ्टर डिलीवरी रेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता क्योंकि डॉक्टर बोलते भी नहीं है रेस्ट करने के लिए। डॉक्टर बोलते हैं कि जितना हो पाए आप एक्टिव रहो, मतलब ज़बरदस्ती फोर्सफुली बॉडी को पनिश नहीं करना है, पुश नहीं करना है, जितना आपका बॉडी परमिट करेगा एक्टिव रहने के लिए उतना एक्टिव रहो। घर का काम वाम हल्का फुल्का भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो हाँ, मैं भी वही कर रही हूँ। वैसे कोई मुझे करने देते नहीं है, मैं कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि करना भी चाहिए। आप अगर आप डिलीवरी के बाद ना ऐसे ही रेस्ट में रह जाओगे ना घर पर कि नहीं सब लोग है, मैनेज हो ही जा रहा है, मैं रेस्ट लेती हूँ, तो फिर ना आपका आगे का जो क्या है जर्नी है ना वो वैसा ही हो जाएगा। आपको आलसी फील होगा, आपको हीलिंग होने में टाइम लगेगी। सो बेटर कि जितना हो पाए आप एक्टिव रहो, इसमें आपका हीलिंग भी बहुत फास्ट हो जाएगी और साथ में ये जो जर्नी है ये भी फटाफट फटाफट निकल जाएगी। आ गए मार्केट से? कुछ ठंडा लेके आया। अच्छा, ससुर जी आ रहे हैं इसलिए जूस वगैरह? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ठंडा सबके लिए लाया हूं। हाँ, गर्मी भी काफी है ना। क्या लेके आए? बटर मिल्क और जूस नहीं मिला, छोटा सा जूस। ठीक है, रख दो फ्रिज में, वो लोग आएंगे तो फिर देना। टाइम अभी हो रही है दोपहर के 12:15। तो फाइनली एक गुड न्यूज़ आप लोगों को दे ही देती हूँ। आज आ रहे हैं मेरे पापा, और पापा अकेले नहीं आ रहे हैं, साथ में मेरे कज़न सिस्टर यानी मामा की बेटी जो है वो आ रही है, डेफिनेटली मेरी बहन। तो आप लोग उनको जानते हैं, मतलब मेरी बहन को आप लोग जानते हैं, हमारे घर के बिल्कुल बगल में ही जो मामा रहते हैं ना जिनका लास्ट ईयर डेथ हो गया है, तो उनका ये जो बेटी है पूजा, आप लोग काफ़ी बार उसको व्लॉग में भी देखे हैं, मेरे मायके व्लॉग में भी देखे हैं। तो मेरे शादी के बाद मतलब लास्ट 6 ईयर्स से हम लोग कोलकाता में थे, नोएडा में थे, बैंगलोर में, मतलब वो कहीं पे भी आई नहीं थी क्योंकि उसका पढ़ाई वगैरह ये सब के बीच में उसको बिल्कुल भी आज तक टाइम नहीं मिला कि वो मेरे घर पे आके मेरे साथ टाइम स्पेंड करेगी। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि कुकर का सीटी बज रहा है। तो वो पहली बार मेरे शादी के बाद मेरी घर आ रही है, वो भी बैंगलोर में। तो आज उसका फर्स्ट फ्लाइट था, पता है, वो ना काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी और साथ में एक्साइटेड भी उसका फर्स्ट फ्लाइट लेके, क्योंकि इससे पहले वो कभी फ्लाइट में चढ़ी नहीं थी, और वो भी मतलब 2.5 आवर्स का एक मतलब थोड़ा छोटा मोटा या लंबा भी बोल सकते हो। जो लोग फर्स्ट फ्लाइट जिन लोगों का होता है उन लोगों के लिए 2.5 घंटे का फ्लाइट भी थोड़ा लंबा ही लगता है क्योंकि उन लोगों के अंदर ना एक टेंशन रहता है, नर्वसनेस रहता है। तो एनीवेज मैं भी थोड़ा सा टेंशन कर रही थी कि पता नहीं उसका फर्स्ट फ्लाइट कैसा रहेगा। तो पापा थे ना, तो पापा के साथ वो आडी है वेस्ट बंगाल से। कल एक्चुअली वो लोग शाम के टाइम पे निकले थे वेस्ट बंगाल से, हमारे होम टाउन बहरमपुर से, और वहाँ से ट्रेन लेके वो लोग सियालदह स्टेशन में उतरे हैं सुबह 4:30 बजे, और फिर वहाँ से एयरपोर्ट जाके एयरपोर्ट से फ्लाइट लेके अभी बैंगलोर वो लोग लैंड कर गए हैं। तो अभी कैब में हैं वो लोग, आ रहे हैं घर। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एक तो है पापा के लिए क्योंकि पापा भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। मेरी डिलीवरी के टाइम पर तो पापा आ नहीं पाए थे, तो पापा को बहुत मन था कि कब मेरी बेटी को पापा देखेंगे, गोदी में लेंगे। तो होता ही है ना, एक सबका मतलब ग्रैंड पेरेंट्स जो लोग होते हैं
उनका ये फीलिंग्स होता ही है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि आज पापा आ रहे हैं और मेरी बेटी को पापा अपने गोदी में लेंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, मतलब एक अलग ही फीलिंग्स होने वाला है ना। इतने दिन से दोनों मम्मियाँ कर रहे हैं लेकिन पापा आ रहे हैं इतने दिन बाद, तो ठीक है चलिए आने के बाद तो अपने एक्सपीरियंस में शेयर ही करूँगी। और साथ में बहन भी आ रही है, मतलब पूजा भी आ रही है ना, उसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो लोग बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह लेके आ रहे हैं पुचकू के लिए। तो चलिए वो लोग एक बार आ जाए, फिर मैं धीरे धीरे बाकी का सब कुछ आप लोगों को शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं जाऊँगी नहाने, गर्मी यहाँ पे इतना ज़्यादा पड़ गई है ना, गर्मी की वजह से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह सब कुछ हो रही है। तो चलिए मैं अभी नहा लेती हूँ और देख लेती हूँ कि घर का और कुछ छोटा मोटा काम बाकी है कि नहीं। वो लोग वैसे कैब में चढ़ गए हैं, हमारा जो परमानेंट कैब ड्राइवर है ना राम भैया, उनको मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि पापा को और मेरे कज़न सिस्टर को एयरपोर्ट से पिकअप करने के लिए, क्योंकि अभी ना सौरभ के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है बेबी को छोड़ के, घर का भी थोड़ा काम वाम सब कुछ है, सुबह से मार्केट जाना था तो वो सब कुछ संभाल के उन लोगों को एयरपोर्ट लेने जाना पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो मैंने कैब ड्राइवर को बोल दिया है, वो वहाँ पे चले गए हैं उन लोगों को पिकअप करने के लिए। बिग बास्केट से कुछ सामान भी मैंने मीनवाइल ऑर्डर कर दिया था, घर पे चावल ख़त्म होने को था, तो हम लोग ना चावल ख़त्म होने से पहले ही चावल मंगवाते हैं, कभी भी चावल का डब्बा जो है उसको बिल्कुल एम्प्टी नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पे चावल आ गया है, साथ में चने का दाल, लोबिया, नूडल्स, चाउमीन, जीरा पाउडर, ये सब कुछ ख़त्म हो गया था तो ये सब कुछ भी मंगवा लिया है, और पनीर वगैरह, दही, ये सब कुछ भी है जो कि फ्रिज में मैंने ऑलरेडी रख दिया है। तो ये नूडल्स और चाउमीन तो आजकल मैं नहीं खाती हूँ डेफिनेटली, लेकिन जो मेरी कज़िन सिस्टर आ रही है ना उसके लिए और सौरभ के लिए मैंने थोड़ा सा मंगवा के रखी है, ताकि वो लोग कभी कभी ब्रेकफास्ट या इवनिंग स्नैक्स में चुटुल पुटुल कुछ खा पाए, मम्मी बना देगी तो वो लोग खा पाएंगे, मेरे लिए तो नहीं है, ये दो ऑप्शन मेरे लिए बिल्कुल बिग नो। तो पापा पहुंच गए हैं लेकिन अभी उसको टच नहीं कर रहे हैं क्योंकि जर्नी करके आए हैं ना, हाथ पाँव धो के कपड़े चेंज करके सैनिटाइज करके फिर ही उसको टच करेंगे। कैमन लगछे तुम्हें एक अंधे खाली कर चले लेगा ना तभी सो रही है इसलिए कोई जगह नहीं रहे हैं, पापा एक बार फ्रेश हो जाए इसके बाद गोदी में लेंगे। सोना अच्छा है, सोती रहती है वो, रोना धोना वैसे कम है, भूख लगती है तो रोती है काफ़ी ज़्यादा। तो ये रहा पूजा, ये देखिए मासी के साथ पहली मुलाकात ओ बाबा, और घूम खूब पतला, बहुत नाजुक सी नींद है उसकी, थोड़ा सा भी आवाज़ होती है ना तो वो एकदम से जाग जाती है ठीक है, वो भी अभी फ्रेश हो जाएगी उसके बाद दोबारा उसको गोदी में लेगी। अभी हाथ सैनिटाइज करके थोड़ा सा उसको टच किया क्योंकि बोल रही है कि दीदी मेरे से रहा नहीं जा रहा है, मैं कब उसको गोदी में लूँगी, तो मैंने बोला ठीक है थोड़ा सा उसको हाथ सैनिटाइज करके टच कर लो। ये देखिए बेबी का ना एक्सप्रेशन चेंज होता रहता है, बीच बीच में वो हंसती है, कभी रोती है नींद में ही खुद अपने आप, अभी बस हंसी रही थी इतने में ही एक्सप्रेशन फटाक से चेंज हो गया, एकदम एक दो सेकेंड में एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। ये देखिए हल्की हल्की सी आँख भी खुल रही है वो, बोले बाबा ले केचे बाईते घूम करो। बैंगलोर में इतना ज़्यादा पानी का क्राइसिस है, ये देखिए सौरभ और एक ड्रम खरीद के लेके आ गया है, इससे पहले तो एक ड्रम वो लेके आया था, वो एक वॉशरूम में रखा हुआ है, पानी स्टोर करके रखते हैं उसमें, और आज ये और एक दूसरा मतलब दूसरे वाले बाथरूम के लिए लेके आ गया है। और अभी बताओ हमारे बिल्डिंग में क्या हुआ है, पानी का? हाँ पानी तो अभी मिल ही नहीं रहा पानी रात में 11 बजे से 5 बजे तक बंद रहेगा। हाँ रात के 11 से सुबह के 5 बजे तक, हमारे बिल्डिंग में ही नहीं हमारे गली के सारे बिल्डिंग में ही पानी बंद रह रहा है, इसलिए इसलिए सौरभ दोनों वॉशरूम में दो ड्रम ले आके पानी स्टोर करके अभी रख देगा ताकि सुबह सबको पानी के लिए कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे देखिए बेबी सो नहीं रही थी, बहुत क्रैंकी हो रही थी, तो यहाँ पे दादी माँ उसको लेके घूम रही थी, सो पड़े छे, अच्छा सो गई है अभी वो, उसका तो बेड यहाँ पे रेडी है ही, बस उसको अभी यहाँ पे आराम से सुला देना है।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। कल एक्चुअली दोपहर के बाद और ब्लॉग मेरा कंटिन्यू हो ही नहीं पाया, थोड़ा सा बिजी भी हो गई थी, सबके साथ रेस्ट भी ले रही थी। तो एनीवेज आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और अभी रेडी होके हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। मेरा 2 वीक्स कंप्लीट हो गया है डिलीवरी होके, तो जिस वजह से अभी मेरा डॉक्टर का फर्स्ट कंसल्टेशन है आफ्टर डिलीवरी। तो उस टाइम पे ही, मतलब डिलीवरी के बाद ही डॉक्टर ने आज का दिन दे दिया था कि आफ्टर 2 वीक्स आना है। आज वैसे 18 या 20 दिन होने को है, मेरे डिलीवरी हो चुका है, बट डॉक्टर के पास जाना नहीं हुआ था। तो थोड़ा सा डर लग रहा है कि डॉक्टर डांटेगी या नहीं, क्योंकि बोला था स्ट्रिक्टली कि आफ्टर 2 वीक्स आना ही है। तो थोड़ा सा टाइम का इशू हो गया था, एक्चुअली हमारा फॉल्ट नहीं है, डॉक्टर का ही अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था, पता है। सौरभ ने भी थोड़ा सा डिले कर दिया था अपॉइंटमेंट लेने में, फिर जब उसको याद आया कि अरे आफ्टर 2 वीक्स डॉक्टर विजिट है, फिर उस टाइम पे चेक कर रहा था वो, तो देखा कि उस टाइम पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है 2-3 दिन के लिए। तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है। तो फाइनली अभी जा रहे हैं। तो ये रहा बेबी मेरी गोदी में, और आज साथ में पापा जा रहे हैं। तो पापा फ्रंट सीट में बैठे हुए हैं, सौरभ एज यूजुअल गाड़ी चला रहा है। इससे पहले बेबी के लिए हमने 2-3 बार ऑलरेडी डॉक्टर के पास आए थे, क्योंकि होता है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद बेबी को 2-3 बार ऑलरेडी डॉक्टर दिखाने हम लोग लेके आए थे पीडियाट्रिक्स के पास। कुछ उसका ब्लड टेस्ट वगैरह और भी जॉन्डिस का टेस्ट और बहुत सारी चीज़ें थे, तो वो सब के लिए इससे पहले तो आए थे हम लोग 2-3 बार हॉस्पिटल। लेकिन उस टाइम पर मम्मी आई थी 2 बार और मेरी बहन आई थी 1 बार। तो उस टाइम पर वैसे कुछ टेंशन था नहीं, मम्मी और बहन बहुत अच्छे से कैरी कर लेती है बेबी को। तो मैं तो बस आराम से फ्रंट सीट में बैठ के जा रही थी, लेकिन आज थोड़ा सा मैं टेंशन में थी क्योंकि आज मम्मी भी नहीं आने वाली थी, पहले से ही पता था, और बहन भी हॉस्टल चली गई है। तो पापा ने फिर अचानक से बोला कि नहीं मैं आज चलता हूँ तुम लोग के साथ। तो पापा ही बेबी को पूरा कैरी कर रही थी गाड़ी में। चढ़ने के बाद फिर मैंने बेबी को ले लिया है मेरे पास, और मैं और बेबी हम दोनों आराम से बैठे हुए हैं। मतलब मैं तो बैठी हुई हूँ, बेबी तो सो रही है, आप देख सकते हो एकदम अच्छे से उसको बेबी नेस्ट में उसके सारे कपड़े वपड़े डाल के उसको अच्छे से रैप कर लिया है। वो ना गाड़ी में चढ़ती है तो एकदम शांत हो जाती है, पता है, क्योंकि इस मोशन के साथ वो बहुत ज़्यादा यूज्ड टू है। प्रेगनेंसी के टाइम पे तो हमने कहाँ कहाँ नहीं घूमा है गाड़ी से, तो पेट के अंदर जब वो थी ना उस टाइम से ही वो बहुत ज़्यादा यूज्ड टू है गाड़ी के इस मोशन से, इसलिए जब भी वो गाड़ी में चढ़ती है ना सो जाती है। ये देखिए एकदम सुकून की नींद ले रही है। तो चलिए अभी हॉस्पिटल चलते हैं, चलने के बाद फिर देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं क्या नहीं। फर्स्ट विजिट है ना, तो थोड़ा सा मैं वॉरीड हूँ कि क्या बोलेंगे, स्टिचेस एरिया देखेंगे डॉक्टर, फिर देखते हैं क्या बोलते हैं। आप लोगों को अपडेट देंगे थोड़ी देर बाद। यहाँ बैंगलोर में देखिए आज ही सब लोग होली खेल रहे हैं। होली का तो अभी भी बाकी है 2-3 दिन, लेकिन आज ही यहाँ पे सब लोग होली खेल रहे हैं। हॉस्पिटल जाते टाइम भी देख रहे थे सबको, इतना ज़्यादा ये लोग होली खेल रहे हैं ना कि रास्ते में एकदम ट्रैफिक लग गया था। कोई मूर्ति टा, अच्छा अच्छा, ये देखिए यहाँ पे मंदिर से ना मूर्ति भी निकाले हैं, ट्रक में लोड कर रहे हैं। अच्छा, ट्रक में लोड करके कहीं पे तो लेके जा रहे हैं। हाँ, ये देखिए कितना बढ़िया मूर्ति है। डॉक्टर दिखाना हमारा हो गया है, जा रहे हैं अभी घर, और डॉक्टर ने एकदम ग्रीन सिग्नल दे दिया है, ऑल ओके, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। स्टिचेस एरिया वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से चेक कर लिया है, डू एंड डोंट्स जो सब कुछ भी है डॉक्टर ने सब बोल दिया है। वैसे अभी आगे जो सब कुछ होने वाला है सब डू ही होने वाला है, डोंट्स एज सच कुछ है नहीं, कुछ भी मतलब रेस्ट्रिक्शन अभी आगे कुछ है नहीं। डॉक्टर ने बोला एवरीथिंग इज़ फाइन। तो अभी नॉर्मल लाइफ जो है वो तो मैं वैसे भी लीड कर रही थी डिलीवरी के day 3 से, लेकिन अभी वो वैसा ही, मतलब आगे और भी अच्छे से मैं अपना सारे जो डेली का रूटीन है वो अच्छे से मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी। दवाई जो प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरा चल रहा था आयरन कैल्शियम, वो अभी कंटिन्यू करने के लिए बोला है जितने दिन तक ब्रेस्ट फीडिंग में है बेबी उतने दिन तक के लिए। और बस ये देखिए बेबी को थोड़ी सी गर्मी लग रही थी, तो टोपी वगैरह सब कुछ वो उतारने की कोशिश करी थी खुद ही ना, ऐसे ऐसे करके वो उतारने की कोशिश करती है, तो मैंने ही उतार दिया है। और गाड़ी में हल्का सा AC भी चला दिया है एकदम लो में, ताकि उसको गर्मी ना लगे। और ये जो बेबी नेस्ट है ना, इसका चेन भी मैंने थोड़ा सा ओपन करके रखी है, ताकि उसको थोड़ा मतलब अच्छा लगे, क्योंकि बेबी को मैंने इतने दिन से 18-20 दिन से जितना मैंने नोटिस किया है ना, उसको गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। सब लोग बोलते हैं ना कि न्यू बॉर्न को हमेशा एकदम स्वेडल में रैप करके रखना चाहिए, लेकिन ट्रस्ट मी, मेरी बेबी शायद डिलीवरी के बाद day 1 or day 2 सिर्फ वो वैसे स्वेडल में रैप किया हुआ था, day 3 से वो बिल्कुल भी वैसे रहती नहीं है। अगर हम लोग रैप कर देते हैं ना, तो वो एकदम मतलब हाथ पैर से निकलने के लिए वो कोशिश करती है, उसको अनइजी फील होती है। तो हम लोग उसको और ज़्यादा मतलब काफ़ी लेट
टाइम तक उसको हम लोग रैप करके रखते नहीं, उसको थोड़ा खुला खुला रहना ही पसंद है, तो ऐसे ही रखते हैं हम लोग उसे। आ गए हैं घर के ऑलमोस्ट नज़दीक, अभी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और 10 मिनट लगेगा घर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए साली और जीजा का चल रहा है अभी हेयर ऑयलिंग, जस्ट अभी अभी मुझे भी करके दी है पूजा ने हेयर ऑयलिंग। काफ़ी दिन से मेरा हेयर ऑयलिंग नहीं हो रहा था, तो पूजा ने आज बोला कि दीदी तुम्हारा बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई लग रहा है, आओ तुमको चंपी कर देती हूँ। तो मेरा तो अभी हो गया है और अभी सौरभ का बारी है, तो मेरा कंप्लीट होने के बाद अभी पूजा सौरभ को चंपी कर दे रही है। तो बदले में क्या चाहिए पूजा? किचू ना एमनी फ्री तो कर दीचिस तय है ना कि जीजा जी को तेल लगा के मतलब फ्री में छोड़ देना तो सही बात नहीं है। कुछ तो डिमांड करना ही है। बहन ना, मेरी बहन हमेशा ऐसा करती है, पता है सौरभ जब भी डिमांड करता है ना कि मुझे हेयर ऑयलिंग कर दो ये कर दो, बहन बोलती है बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो वही मैं पूजा को भी पूछ रही हूँ कि तुमको क्या चाहिए पहले ही डील कर लो, उसके बाद फिर ऑयल लगाना। और देखिए बेबी यहाँ पे आराम से सो रही है। डिनर हमारा हो गया है, आज डिनर में पापा बनाए थे चिकन कौशा काइंड ऑफ बनाए थे, मसाले वाला थोड़ा सा, मतलब लेस स्पाइसी में ही बनाने की कोशिश किए थे पापा। वैसे लास्ट कुछ दिन से मैं कम्प्लीटली ब्लंट फूड खा रही हूँ, वही नॉर्मल बॉईल किया हुआ बिना हल्दी का, थोड़ा सा बस नमक डाल के। तो लास्ट दो दिन से मम्मी ने मुझे थोड़ा थोड़ा करके स्पाइसेस जो है और ऑयल जो है इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि आफ्टर 2 वीक्स ऑफ डिलीवरी फिर आप धीरे धीरे मसाले वगैरह इंट्रोड्यूस कर सकते हो और धीरे धीरे आप फिर से नॉर्मल रूटीन में आ सकते हो। तो मम्मी ने ऑलरेडी 2 दिन पहले से ही थोड़ा बहुत मसाला और ऑयल के साथ मुझे एकदम पतला सा कड़ी काइंड ऑफ सब कुछ बना के दे रही थी। आज पापा ने थोड़ा सा तीखा वाला बना के दिया था चिकन, मतलब इतना भी तीखा नहीं था, ब्लैक पेपर डाल के ही पापा ने बनाए थे, तो बहुत टेस्टी था पता है। पराठा बनाए थे साथ में मम्मी पापा दोनों मिलके, पापा ने पराठा बेल दिया है, मम्मी ने सेक लिया है और कम्प्लीटली पापा ने आज चिकन बना लिया है। तो इतना टेस्टी था ना, काफ़ी दिन बाद मैं आज 3 पराठा खा गई। लास्ट कुछ दिन से, इनफैक्ट जब से मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आई हूँ, मैं 1 रोटी खाती थी, वो भी मुश्किल से। मम्मी अगर ज़बरदस्ती 2 दे देती थी ना तो मुझे इतना गुस्सा आता था, क्योंकि मुझे कुछ भी खाने के लिए अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, मम्मी मुझे बोलती थी अगर तुम ऐसे खाना ऐसा तुम अगर खाना पीना करोगे फिर तो तुम्हारा और ज़्यादा वेट लॉस हो जाएगा और फिर बॉडी भी वीक पड़ जाएगा। लेकिन मैं क्या करूँ, एक तो सब्ज़ी वगैरह जो सब कुछ है वो बहुत ही ब्लंट होता था और साथ में बिल्कुल भी मुझे जमता नहीं था, क्योंकि हमारा फूड टेस्ट तो आप लोगों को पता ही है ना, हम लोग थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं बोलेंगे लेकिन इतना ब्लंट भी नहीं खाते थे ना। तो अभी अचानक से कोई अगर आपको एकदम से ब्लंट फूड दे दे खाने के लिए तो फिर वो तो मतलब नेक्स्ट इम्पॉसिबल था खाने में। तो आज चिकन कौशा और साथ में पराठा, मैंने 3 पराठा खा लिया और साथ में 2-3 पीस मैंने चिकन भी खा लिया है, ज़बरदस्त बनी थी। आज मेरा टेस्ट भी चेंज हो गया पता है। तो मैं कोशिश करूँगी कल से थोड़ा रेगुलर बेसिस पे अगर पॉसिबल होगा तो मैं व्लॉग डालने की कोशिश करूँगी, क्योंकि सच बोलूँ तो माँ बनने के बाद अभी पता चल रहा है कि इतना भी आसान नहीं है सब कुछ। मुझे ये पूरा सिस्टम जो है इसको समझने में, इसमें कोप अप करने में, एडजस्ट करने में मुझे काफ़ी टाइम लग रहा है, जिस वजह से मैं रेगुलर बेसिस पे आजकल ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो हाँ, कोशिश मैं करूँगी। वैसे कल हमारा 21 डेज है, तो 21 डेज में हमारा कुछ रिचुअल्स होता है। बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं शुभ अशुच, तो जिसका भी बेबी होता है ना तो उस टाइम पर हम लोग 21 डेज तक घर पे पूजा वूजा नहीं करते हैं और साथ में और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग फॉलो करते हैं। तो जिस वजह से कल हमारा वो डे ख़त्म होगा, कल 21 डेज कंप्लीट हो जाएगा मेरी डिलीवरी का और गंगा जल डाल के हम लोग अच्छे से नहा धो के घर का पूजा वूजा परसों से हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे। और हाँ, अभी धीरे धीरे मैं भी थोड़ा बहुत किचन विचन में जा पाऊँगी, इतने दिन तक मेरा बिल्कुल रेस्ट था, क्योंकि ये जो अशुच होता है ना, शुभ अशुच आतुर भी बोलते हैं काफ़ी सारे लोग, तो इस टाइम पर जिसकी डिलीवरी हुई है ना उसको किचन विचन में जाना मना होता है। तो हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा करके मैं हिम्मत लेके जाने की कोशिश करूँगी। वैसे इतने दिन से आदत ही चला गया है ना, दोनों मम्मी मिलके ही सब कुछ कर रही थी, मुझे तो कुछ करने ही नहीं दे रही थी वो लोग। तो अभी मुझे भी थोड़ा सा आलसी फील होगा सारे चीज़ों को फिर से मतलब बैक टू द नॉर्मल रूटीन में आने के लिए, थोड़ा सा मुझे भी टाइम लगेगा। हाँ, धीरे धीरे हो जाएगा सब कुछ, नो प्रॉब्लम। तो चलिए आज इस ब्लॉग को एंड करते हैं, कल मिलेंगे सुबह सुबह आप लोगों से और एक फ्रेश नए ब्लॉग के साथ। टिल देन डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, गुड नाइट।